बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 5 मैथ 403 का, एक्सप्रेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन्स इन टर्म ऑन इनफिनाइट सम्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये जो हमारा मैथ 403 है उसका लेसन नंबर जो 5 है उसका ये वाला टाइटल है। अभी इस लेसन में जो हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले इस लेसन को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ है जो जिस चीज़ से हमें फेमिलियर होना चाहिए वो है जी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है उससे हमें फेमिलियर होना चाहिए, वो मैंने नीचे राइट की हुई है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? सिंपली किसी भी टर्म्स का क्यूब, स्क्वायर क्यूब्स और उससे हायर पावर जो है उनको ओपन करने का एक तरीका होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होती है। अगर हम ए प्लस बी का स्क्वायर लें तो 2 0, ए 2 माइनस 0 बी की 0 प्लस 2 1, ए की पावर 2 माइनस 1 बी की 1 प्लस 2 2 2 की ए की पावर 2 माइनस 2 एंड बी की 2। ठीक है, तो ये जो जो चीज़ें हैं ये वाली ये हमारे पास कम्बिनेशन फैक्टर्स हैं। इनको रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी भी टू टर्म्स का क्यूब को ओपन करते हैं तो इसी तरह सेम 3 0, ए की पावर 3 माइनस 0 हो जाएगा, बी की 0 प्लस 3 1, ए की पावर 3 माइनस 1 बी की 1 सोन, इसी तरह चलते चलते 3 की 3, ए की पावर 3 माइनस 3 एंड बी की पावर 3 आ जाएगा। अगर हम इसी तरह पावर्स को बढ़ाते चले जाएं, पावर्स को हम एन तक एक्सटेंड कर दें तो फिर क्या होगा? फिर ए प्लस बी किसी भी टू टर्म्स को अगर हम पावर एन उसको हमने एक्सपेंड करना है तो एन 0 ए की पावर एन माइनस 0 यानी कि ए की पावर एन हो जाएगी हमारे पास। बी 0 प्लस एन 1 कॉम्बिनेशन फैक्टर ए एन माइनस 1 बी 1 सोन, इसी तरह एन एन ए की पावर एन माइनस 1 और बी की पावर एन आ जाएगा। अच्छा, अभी इस एक्सप्रेशन में जो मैंने कहा था कॉम्बिनेशन फैक्टर, ये वाला कॉम्बिनेशन फैक्टर है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ये मैंने नीचे लिखा हुआ कि 3 1 जो कि सेकंड में ये वाला जो फैक्टर है इसको मैंने रिजॉल्व किया हुआ, एग्जाम्पल दी हुई है, आप इसको देख लें। ये कम्बिनेशन फैक्टर है, इसको अगर हमने एक्सपेंड करना है तो सॉल्व करना कैसे करेंगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखें कम्बिनेशन की, तो कम्बिनेशन की जनरल फॉर्म होती है एन आर यानी कि एन फैक्टोरियल, और जो नीचे होगा यानी कि आर यहाँ पर 1 है तो आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने से हमारे पास फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है कम्बिनेशन फैक्टर का आंसर आ जाएगा, और कम्बिनेशन फैक्टर का आंसर सिंपल हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास जितनी भी पावर्स होंगी किसी भी टू टर्म्स की एंड टाइम तक वो हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं जो हमारे लेक्चर का मेन पर्पज़ था कि हमने साइन 5 थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ साइन, इसी तरह टेन 5 थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ 10 पावर 5, और कॉस की हमने निकालनी है 5 थीटा यानी कि यहाँ पर जो 5 है ये मल्टीपल है थीटे का। तो हमने क्या करना है, हमने अभी ये 5 को साइन की पावर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास जो था अभी हमने निकालनी है साइन 5 थीटा, तो सबसे पहले जो हमारे मेन पर्पस लेक्चर था वो ये था कि हमने साइन थीटे को एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में शो करना है, यानी कि साइन थीटे को हम सिंपली एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे जितनी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, कॉस थीटे को हम सिंपली सी से डिनोट करेंगे एंड टेन थीटे को हम टी से डिनोट करेंगे। अभी हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं कॉस थीटा प्लस ओयोटा साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन की 5 निकालनी है। हमने निकालना क्या है? साइन की 5 थीटा जो है वो हमने निकालना है। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को कॉस थीटा प्लस ओयोटा साइन थीटा 5 थीटा, इसको अगर हम डी मॉरस थ्योरम से अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो डी मॉरस थ्योरम जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, वो क्या कहता है कि जो पावर होगी वो इस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यह था हमारा डी मॉरस थ्योरम। जब ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कॉस 5 थीटा प्लस ओयोटा साइन थीटा देगा। हमने निकालना ये है साइन 5 थीटा एंड कॉस 5 थीटा। अभी अगर हम इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद अभी हमारे पास ये कॉस थीटा प्लस ओयोटा साइन थीटा, इसको अभी हम पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन थी जो हमने ऊपर अच्छे तरीके से समझी है उसके ज़रिए हम इस पूरी पावर को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कॉस थीटा को किससे रिप्रेजेंट किया है? सी से। साइन थीटा को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, तो सी प्लस अयोटा एस हमारे पास की पावर 5 थी। इसको हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से जैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो थी वो शुरू होती है कि 5
एन जो पावर होती है यानी कि हाईएस्ट पावर होती है, 50 सी की पावर यानी कि 5-0 और आयोटा एस की पावर 0 प्लस 51 सी की पावर 5-1 आयोटा एस की पावर 1 प्लस 52 सी की पावर 5-2 आयोटा एस की पावर 2। इसी तरह ये चलती जाएगी, आखिर पे हमारे पास 55 सी की पावर 5-5 आयोटा एस की पावर 5 आ जाएगी। और ये जो थे ये हमारे पास कम्बिनेशन फैक्टर्स थे, ये वाले इस एक्सप्रेशन में ये वाले हमारे पास कम्बिनेशन फैक्टर्स हैं। अभी इनको रिजॉल्व किया तो फर्स्ट कम्बिनेशन फैक्टर को रिजॉल्व किया तो वो इस तरह राइट होगा, सेकंड ये वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये हमारे पास इस तरह राइट हो जाएंगे। अभी हमने करना क्या है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। जैसे हमने इस पावर्स को ओपन किया तो हमारे पास आयोटे की वैल्यूज़ भी आ रही, यानी कि यहाँ पर आयोटे की पावर 2 है, यहाँ पर आयोटे की पावर 3 है, यहाँ पर आयोटे की पावर 5 है, और यहाँ पर 4 सॉरी, और यहाँ पर 5 है। अभी हमने इन इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में, यानी कम्बिनेशन फैक्टर्स की एंड आयोटेज़ की वैल्यू जो है वो पुट्स करनी है। सबसे पहले अगर हम कम्बिनेशन फैक्टर्स को निकालें तो कम्बिनेशन फैक्टर्स जो होता है, अगर किसी भी कम्बिनेशन फैक्टर में 50 तो वो अमूमन 1 ही आएगा, ठीक है, एक जनरल सा रूल है। और इसे अगर 5/5 कम्बिनेशन है वो भी 1 आएगा। हमारे पास फर्स्ट वाला एंड लास्ट जो है वो 1-1 आएगा कम्बिनेशन फैक्टर। ये हमने अगर आप निकालना चाहते हैं इस तरीके से वो निकाल भी लें, लेकिन ये होता ही है इसी तरह है। अभी अगर हम निकालना 5-1 का निकालेंगे तो 5 factorial 1 factorial 5 minus 1 factorial आ जाएगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये जो फैक्टोरियल वाली होती है वो इस तरह एक्सपेंड होती है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 factorial 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 and 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 factorial as it is 1 आ जाएगा। 5-1 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा, 4 factorial को इस तरह। तो ये 4 factorial वाली, ये वाली और यहाँ तक ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 5/1 हमारे पास 5 आ जाएगा। 5/2 जो है हमारे पास वो हमारे पास इसी सेम प्रोसीजर से जिस तरह मैंने इसको एक्सपेंड किया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास आंसर 10 आ जाएगा। 5/3 का आंसर भी हमारे पास 10 आएगा। 5/4 का आंसर भी हमारे पास 5 आएगा। अभी हमने ये कॉम्बिनेशन फैक्टर्स जो निकाले थे, ये वाले कॉम्बिनेशन फैक्टर्स, इनकी वैल्यूज़ और आयोटे की वैल्यूज़ अभी निकलते हैं। हम जैसे कम्प्लेक्स का जो टॉपिक था हमने स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि आयोटे का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 होता है, ठीक है। अगर हम इसी तरह आयोटे का क्यूब लें तो आयोटे का स्क्वायर डॉट आयोटा आ जाएगा। तो आयोटे के स्क्वायर के हमने -1 निकाली हो तो -1 आ जाएगा। आयोटे की 4 हमारे पास 1 निकल आएगी और आयोटे की 5 हमारे पास आयोटा आ जाएगी। ये वैल्यूज़ जो हैं हमने इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, सिंपली इस एक्सप्रेशन में, इस पूरी एक्सप्रेशन में हमने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। तो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास सी प्लस आयोटा एस की पावर 5 जो है वो 1 सी की पावर 5 प्लस 5 सी की पावर 4 आयोटा एस आ जाएगा प्लस 10 सी की पावर 3 -1 आएगा और एस का स्क्वायर आएगा प्लस 10 सी का स्क्वायर माइनस आयोटा एस की 3 आएगा प्लस 5 सी 1 एस की पावर 4 आ जाएगा। इसको हम सिंपली रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सी की, क्योंकि ये 1 है तो सी की पावर 5 आ जाएगा प्लस 5 सी की पावर 4 आयोटा एस आ जाएगा। और ये -1 है, इधर प्लस को माइनस कर देगा तो -10 की पावर सी की पावर सी एंड 3 एंड एस की पावर 2 आ जाएगा। ये भी आयोटे के साथ माइनस है, इसको माइनस कर देगा, -10 सी की का स्क्वायर एंड एस का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, एस का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास प्लस 5 सी आ जाएगा और एस की पावर 4 आ जाएगा और आखिर पे हमारे पास प्लस एस की पावर 5 आयोटा आ जाएगा। अभी हमने सिंपली करना क्या है कि जो आयोटे के वाली वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यूज़ हमारे पास आयोटे वाली, एक ये है और एक ये है, हम इनको अलग कर लेंगे और आयोटे के जो बग़ैर वैल्यूज़ हैं इनको हम आप अलग कर लेंगे। एक ये है, एक ये है इसके बग़ैर आयोटे के बग़ैर, और एक हमारे पास जो है ये वाली वैल्यूज़ है। तो ये हम मैंने लिखी हैं आयोटे के बग़ैर वाली वैल्यूज़, सी 5 के
आली आ गई, टर्म्स आ गई, माइनस टेन सी की का क्यूब और एस का स्क्वायर आ गया, प्लस फाइव सी एस की फोर आ गया। अभी हमारे पास हमने लिखनी है योटे वाली वैल्यूज़, तो योटे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास एक ये वाली वैल्यूज़ है, एक ये वैल्यूज़ है और एक ये वाली वैल्यूज़ है। तो योटा तो तीनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो फाइव सी की पावर फोर एस आ जाएगा, इसी तरह माइनस टेन सी का स्क्वायर एस का क्यूब आ जाएगा, प्लस एस की पावर फाइव आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन टू बन गई। ये थी, ये हमारे पास इक्वेशन टू बन गई। अभी इक्वेशन वन जो थी इसको हमने शॉर्टर फॉर्म में लिखा था, सी को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फाइव लिख सकते हैं और सेम यही आ जाएगा। अभी हमने किया क्या था कि ये जो था इसको अगर हम डी मॉरस थ्योरम से, हमने जो इक्वेशन वन यहाँ पर ली थी डी मॉरस थ्योरम के ज़रिए, ये वाली कि फाइव जो होगा वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, कॉस फाइव थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो है ये यानी कि फाइव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस फाइव थीटा प्लस योटा साइन फाइव थीटा आ जाएगा, और ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी दोनों की इक्वेशन को, इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को कंपेयर करने से। अभी हमारे पास क्या होगा, जो भी ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें आयोटा शामिल है, और ये भी सारे का सारा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये वाला आयोटा शामिल है। और जब दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर आएगी, जब टू कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो उसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम लिखते हैं सिंपली, इसका रियल पार्ट हमारे पास कॉस फाइव थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है रियल पार्ट वो ये वाला पूरे का पूरा रियल पार्ट है ये वाला, तो ये रियल पार्ट हमने लिख दिया सी की पावर फाइव माइनस टेन सी का क्यूब एस का स्क्वायर प्लस फाइव सी एस की पावर फोर आ जाएगा। और इसी तरह इसका जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था इसका वो ये था हमारे पास, और इसके इमेजिनरी पार्ट से हमने इक्वल कर दिया, तो ये हमारे पास एस की फाइव आ जाएगा माइनस टेन सी का स्क्वायर एस का क्यूब प्लस फाइव सी की फोर और एस आ जाएगा। अभी हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा सेम इसी का ही आंसर होगा, वो सिर्फ हम साइन कॉस की जगह पे साइन थीटा रिप्लेस करेंगे। इसको हम रिजॉल्व करते हैं, इसको सिंपली हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पर एस की फाइव माइनस टेन एस का क्यूब एस का स्क्वायर सी का क्यूब एस का स्क्वायर प्लस फाइव सी एस की फोर आ गया। अभी हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला याद रहे कि हमने साइन थीटे को एस कहा था और कॉस थीटे को सी कहा था, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमारे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, वन माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की जगह हम सिंपली सी लिख रहे हैं, तो इस जगह पर हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। और इसी तरह ये इसको हम इस तरह आपस में लिख सकते हैं कि एस का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पर जो एस का स्क्वायर था जिस तरह यहाँ पर हमने एस का स्क्वायर वन माइनस सी का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अभी हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, तो सी फाइव माइनस टेन सी का क्यूब प्लस टेन सी की फाइव प्लस फाइव सी, और इसको हम दोबारा इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो वन प्लस सी की फोर माइनस टू सी का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी, और उसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो कॉस फाइव थीटा हमारे पास सिक्सटीन सी की पावर फाइव माइनस ट्वेंटी सी का क्यूब एंड प्लस फाइव सी आ जाएगा। और हमने सी को कॉस के इक्वल पुट किया हुआ था, तो कॉस फाइव थीटा हमारे पास जो हमने वैल्यू निकालनी थी ये हमारे पास कॉस फाइव थीटा की वैल्यूज़ आ गई ये वाली। इसी तरह साइन फाइव थीटा हम सिर्फ साइन कॉस की जगह हम साइन रिप्लेस कर देंगे, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, ये आप साइन फाइव थीटा की वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे जो ऊपर सेम हमने कॉस फाइव थीटा के लिए प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है, आप सेम साइन फाइव थीटा के लिए प्रोसेस करेंगे। अभी हम रेसिप्रोकल करते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लेट कर लेते हैं, एक्स हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम इक्वेशन वन कह देते हैं, तो रेसिप्रोकल होता है उसका उल्ट, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास वन ओवर एक्स आ जाएगा, तो वन ओवर एक्स इज इक्वल टू इसको कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, जो जो
बर्टे में डिनोमिनेटर में जो होती है, जो भी वैल्यूज़ होती है उस ऊपर अगर हम उसको लेके जाएं तो उसकी पावर माइनस वन आ जाती है। जब इसकी पावर माइनस वन आ जाएगी तो हम डी मॉरस थ्योरम लगाएंगे। तो डी मॉरस थ्योरम क्या कहता है कि पावर इस एंगल के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पावर इस एंगल के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वन ओवर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। और ये जो कॉस होता है ये एंगल वाला जो माइनस होता है इसको रिजॉल्व कर लेता है, साइन नहीं करता। तो जब ये माइनस कॉस थीटा में रिजॉल्व हो जाएगी तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल आएगा क्योंकि माइनस ये रिजॉल्व करेगा। साइन थीटा जो होता है वो ये जो एंगल वाली माइनस वाला माइनस होता है ये रिजॉल्व नहीं करता, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो योटा साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन टू आ गई। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स करेंगे तो इसको हम एक्स की हमने ये वाली लिया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका रेसिप्रोकल वन ओवर एक्स जो है वो ये निकला है। तो योटा साइन थीटा जो है ये और ये योटा साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, टू कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। इस तरह वन माइनस वन ओवर एक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास टू आयोटा साइन थीटा आ जाएगी। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर फाइव मैथ 403 का। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इंशाल्लाह मैं आज से ऑनवर्ड मैथ 403 के शॉर्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। शुक्रिया।